30 डे ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज में गाइस आज है हमारा 12वां दिन। और आज के दिन मैंने क्या क्या किया ट्रेडिंग के अंदर वो सब कुछ शेयर करूंगा गाइस। एक चीज शेयर करने वाला हूँ गाइस, मतलब एक 90% जो ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट में पैसा क्यों गंवाते हैं आपको पता है? क्योंकि हमने बात की थी इमोशंस की वजह से, और इमोशंस एक ऐसी चीज है जिनसे बचने का कुछ तरीका नहीं समझ में आता है। ठीक है, कुछ नए नए तरीके हमें यूज करने पड़ेंगे। और कल के दिन आपको पता होगा हमें लगभग 11,600 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, और जो हमारा लॉस था ना गाइस, अगर कल ये प्रॉफिट नहीं मिलता तो मैं भी, हमारे पास पैसा था वो लगभग 50% हमारे कैपिटल के वो खत्म हो चुका था। ठीक है, लेकिन इन पैसों को गंवाने में एक्चुअल बताऊं तो मार्केट चाहे डिफिकल्ट फेज में हो, ठीक है, पर हमारा जो स्टाइल था ट्रेडिंग का, एक चीज देखते हैं, क्योंकि हमें अपने अंदर की कमियों को ढूंढना होगा और उन कमियों को इम्प्रूवमेंट करना है। मैं हर एक चीज देख के आपके साथ शेयर करता हूँ कि चलो किस प्रकार से जो मैं गलती होती है, और मैं खुद में वो चीज देखता हूँ कि यार मैंने आखिर गलती की कहाँ है। मतलब मैं जो अपना ट्रेडिंग जर्नल है वो भी यहाँ पे बनाता हूँ डेली, और उस ट्रेडिंग जर्नल में हर चीज मेंशन करता हूँ कि भाई कब मैंने क्या गलती की है। और ट्रेडिंग जर्नल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी बात कर लेते हैं गाइस कि आज के दिन मैंने फर्स्ट ट्रेड की, वो पहली ट्रेड मेरी इतनी अच्छी रही थी कि एंट्री होते ही मतलब 1 या 2 मिनट में एग्जिट कर दिया मैं बैंक निफ्टी के अंदर, और एंट्री सेलिंग साइड ही थी। लॉजिक बताता हूँ आपको। ठीक, तो पहले मैं यहाँ पे जो चार्ट है वो चार्ट अपना ऑन कर देता हूँ, नॉर्मल वाला चार्ट, ताकि उस चार्ट पे थोड़ा सा हमें व्यू, जो ये फ्यूचर वाला चार्ट है हमें उस चार्ट की नीड हो यहाँ पे। अब गाइस मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, और एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है, और इस ओपनिंग के बाद मैंने वेट किया था यहाँ पे, कहीं मेरी एंट्री भी नहीं थी, और लगभग इस जगह पे मेरा यहाँ पे जो प्रॉफिट था उसको मैंने बुक कर लिया और एग्जिट कर दिया। तो जो प्रॉफिट था वो लगभग 2-2.5 हजार के आसपास था, लेकिन जो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर रहा था तो 1,650 रुपये के आसपास हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बना था। अब गाइस आज के दिन मैंने क्या गलती की आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा गाइस मार्केट को लेकर कुछ ज्यादा कॉन्शियस था कि भाई मार्केट है ये एक अच्छा सेलिंग में जा सकता है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसीलिए है कि मार्केट में कुछ दिनों से बायर आ रहे हैं, ठीक है, अब बायर ट्राई कर रहे हैं मार्केट को, कुछ दिनों क्या 2 या 3 दिन हुए जहां से मार्केट में बायर आ रहे हैं। जब मार्केट था वो एक डिमांड जोन के आसपास, अब डिमांड जोन से बाइंग आई है वो एक अच्छी चीज है। लेकिन कल के दिन क्या हुआ, मार्केट में ओपन होते ही एक तेजी का मूवमेंट आया, तो इस मूवमेंट में जो भी रिटेलर्स थे, ठीक है, उनको एक कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट तेजी में रहेगा। उसके पिछले दिन भी आप देखो यहाँ पे तो मार्केट तेजी में था, और यहाँ पे आप चेक करो ये मार्केट, तो ये भी मार्केट यहाँ पे ऐसे सिचुएशंस में आ चुका है कि तेजी के अंदर कल अच्छा खासा रहा था। अब यहाँ से थोड़े अपसाइड मोमेंटम करने के चांस इसके ज्यादा थे, क्योंकि अगर ये मार्केट ऊपर जाता है तो इसको स्पेस काफी अच्छा था। लेकिन जो बिग प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या किया है कि रिटेल ट्रेपिंग के लिए मार्केट को पहले तो मूवमेंट कराया, और जब मार्केट ने मूवमेंट किया तो ये यहाँ से फिर गिरना स्टार्ट किया, और गाइस डे लो को ब्रेक करने के आसपास चला गया था और गैप भी फिल कर दिया। तो पहली चीज है कि भाई साहब यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग की पोजीशन बनाई थी वो ट्रेप हो चुके। हालांकि हमने यहाँ पे 1-2 कैंडल के, एक कैंडल में ही हमारा 11,000 के आसपास प्रॉफिट बन चुका था, तो हमने एग्जिट कर दिया था। लेकिन आप देखो तो बायर्स यहाँ पे ट्रेप हुए कल के दिन, और आज के दिन आप देखते हो तो मार्केट ओपन होते ही थोड़ा बहुत मार्केट ने ट्राई किया कि गैप फिल की जाए, मतलब थोड़े बहुत बायर से उनको भी ले डूबा। ठीक है, अब यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, तो इस वजह से जो मेरा व्यू था कि यार मार्केट ने जो ट्रैप किया है उस ट्रैप के अकॉर्डिंग तो मार्केट को और भी ज्यादा वीक होना चाहिए और अच्छा एक सेलिंग का ट्रेंड मिल सकता। ठीक है, तो उसी वजह से मैंने फिर यहाँ पे एक पोजिशन और बनाई थी, क्योंकि ये मार्केट जब पुल बैक देता है इस पुल बैक पे, लेकिन वो पोजिशन मैंने वापस किस में बनाई थी, वो बनाई थी निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर पुल बैक देता है उसके अंदर, फिर इसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, 5-10 रुपये का एसएल गया और मैं एग्जिट कर दिया। यहाँ तक तो सब चल रहा था सही। अब जो मेरे को लॉस हुआ था
मैंने अगेन बैंक निफ्टी में ये 0.5 जो फिबोनाची का लेवल होता है वो हमें बताता है कि किसी भी ट्रेंड के 50% अगर वो वहां से वापस ऊपर निकल जाता है तो मार्केट बुलिश हो सकता है। तो इसमें वापस ट्रेड ली और जो मेरे को मेरा जो प्रॉफिट था ना 1650 रुपये का, उसमें से मेरे फर्स्ट ट्रेड में एसएल गया तो फिर मेरे को 400 रुपये का प्रॉफिट बचा था। फिर मैंने और ट्रेड ली तो उस ट्रेड में मेरे को गाइज लगभग लॉस हो गया था, 1500-1200 के आसपास यहाँ पे लॉस हो गया था। ठीक है, तो मैं ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट था उसमें से 900 रुपये लॉस में आ चुका था। अब देखिए मार्केट आज के दिन साइडवेज और वोलेटाइल दोनों था। वोलेटाइल मार्केट क्या होता है कि ऑप्शन बायर्स को पैसा बना के भी दे सकता है और पैसा ले जा भी सकता है, क्योंकि इसमें एक अच्छी तेजी और कहीं से भी ये गिरना स्टार्ट कर देगा और कहीं से भी ये वापस ऊपर चला जाएगा। जब मार्केट इस प्रकार का हो तो उसे वोलेटाइल कहते हैं। मार्केट देखिए, वोलेटाइल मार्केट खराब नहीं होता है, खराब मार्केट तो ये जब साइडवेज मार्केट होता है तब होता है। मेरी गलती थी, एक तो इमोशंस, ठीक है, जो कि मेरे को थोड़ा बहुत लालच था, अगर मैं ये नहीं करता तो कम से कम 1600 तो आ रहे थे, और ये क्या बुरी चीज़ है क्या? अगर हम दिन का 500 भी बनाते हैं ना तो भी मार्केट में ये बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। और यही चीज़ हमें अपने जो माइंड सेट है उसमें बिठानी होगी, क्योंकि देखिए आपने ट्रेडर बहुत सारे देखे होंगे पर मैं मेरी जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक्चुअल में जो ट्रेडर के सामने डिफिकल्टीज आती है वो सारी ट्रेडिंग डिफिकल्टीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब फिर क्या, फिर मैंने थोड़ा सेंसेक्स की तरफ नजर घुमाई। अब गाइज मैं किस जोन में चला गया था अपने मेंटल स्टेट की, कि सादा यहाँ पे हम ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। तो भाई साहब मैं ओवर ट्रेडिंग करने लग गया था, सच बताऊँ तो गाइज, और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगर आप देखो गाइज तो आज के दिन सेंसेक्स में एक्सपायरी थी और ये पूरा साइडवेज, और ये पूरा मार्केट साइडवेज के साथ साथ वोलेटिलिटी भी, ठीक है। 200 पॉइंट की मार्केट में अपर साइड डाउन साइड की वोलेटिलिटी के साथ साइडवेज था, तो ऐसे में मैं यहाँ पे भी ट्रैप हो चुका था और ट्रैप होने की वजह से मेरे को और लॉस बढ़ गया। पहले जो लॉस 900 रुपये के आसपास था वो रिकवर हो रहा था तो मैंने उसको रिकवर नहीं किया, मैं और बेटर रहा लालच से कि यार जो बना है उसको बना देते, और उसके बाद भी मैं 1000 रुपये के आसपास प्रॉफिट में आया भी था, लेकिन लालच ने मेरे को ले डूबा। फिर इस लॉस को मैंने क्या किया, किस प्रकार से मैंने वापस मार्केट में फाइट करना स्टार्ट किया कि भाई ये जो लॉस है अपन एक काम करते हैं। पहले जब कॉस्ट टू कॉस्ट था तो मैं कॉस्ट की नहीं सोच रहा था, फिर मैं सोचने लग गया कि भाई साहब चलो अपने तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही हम बुक कर लेंगे, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। जो मेरा लॉस था वो गाइस ऑलमोस्ट यहाँ पे बढ़ने लग गया और मैंने और भी ज्यादा ट्रेड्स ली बिना सोचे समझे, और ये होती है एक अनवांटेड ट्रेडिंग, ठीक है। जब कभी भी हम कुछ ट्रेड कर रहे हैं उसके पीछे कोई सेटअप या फिर लॉजिक होना चाहिए, है ना, कि हम भाई इसके अंदर एंट्री करते हैं अगर तो क्या लॉजिक है, ठीक है, टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है। ये चीजें अगर हमें नहीं पता है ना तो फिर हमारी ट्रेडिंग का मतलब नहीं रहता है, और ये सब कुछ मेरे सामने हो रही है तो आई इम्प्रूव, मैं हर दिन कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैं कैसे और भी ज्यादा मार्केट में इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास कम कैपिटल है ना और कम कैपिटल में ये सब चीजें जो हमें सीखने में मिल जाती है तो फिर कहीं कल अपने पास कैपिटल बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा तो हम पैसे को मैनेज कर सकते हैं। आज हमारे पास पैसा नहीं आता है का लॉजिक क्या है पता है आपको, आपके अकाउंट में अगर 10 लाख भी हैं और 1 लाख भी हैं, अगर आप एक बार मार्केट से फाइट करने लग गए ना अकाउंट खाली होते टाइम नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है। मेन चीज है कि अपने इमोशंस को किस प्रकार से हम काबू कर सके ताकि जो मार्केट में हम प्रॉफिट है वो रेगुलर और कंसिस्टेंसी यहाँ पे रख सके, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो या मैं ना जब भी प्रॉफिट होता है तो आपको पता है मैं ज्यादा ज्ञानबाजी नहीं करता हूँ, क्योंकि मतलब प्रॉफिट में बन जाता है ना उसमें क्या सीखने को मिलता है सच बताऊँ तो, लेकिन जब लॉसेस होते हैं ना तो ज्ञानबाजी बहुत निकलती है, और यही होता है ना लॉसेस से मार्केट में सबसे ज्यादा सीखा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ निफ्टी, मतलब कुछ ना कुछ तो मार्केट में भी डिफिकल्टीज हैं, देखिए सारी गलती हमें भी नहीं है
और सारी गलती मार्केट की भी नहीं है, बट जो हो रहा है ना जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही रहते हैं, है ना। मैं यहाँ पे 15 मिनट लगा देता हूँ कैंडल। अब आप देखिए मार्केट क्या हद तक मतलब लपेट आया यार आज के दिन। मैं जोन को रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बहुत सारी मार, इंट्राडे में है ना अलग अलग आपके सामने जो ट्रेंड लाइन बनेगी वो आपको ड्रॉ करनी होती है। मैंने अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये 5 मिनट में और अच्छा दिखेगा शायद। ओके, तो इस जगह आप देखो गाइस मॉर्निंग में मार्केट क्या करता है, ओपन होता है और डिमांड जोन से एक बाइंग आती है। बाइंग आने के साथ साथ इसने एक पुल बैक दिया और डे हाई को इसने ब्रेक कर दिया। जैसे ही डे हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे सेलर आ जाते हैं, मतलब फर्स्ट ट्रैप यहाँ पे ट्रैप बना और ये गिर गया। जैसे ही गिरा और इस जगह से मार्केट में बाइंग आना स्टार्ट हुआ। ये क्या है, ये मार्केट का सपोर्ट था जो सपोर्ट मार्केट ने ब्रेक किया, और इस सपोर्ट को ब्रेक करते ही मार्केट में जिन लोगों ने एंट्री ली होगी कि सेलिंग की तरफ जा सकता है मार्केट या गिर सकता है, उन लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया गया। ठीक है, अब बात आ जाती है कि अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए हैं तो फिर मार्केट अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना चाहिए था तो मेरा लॉजिक था वो क्या था, मैं आपको बताऊँ। मैंने इस जगह पे निफ्टी 50 के अंदर पोजीशन बनाई थी, वो थी मेरी यहाँ से सेलिंग की। यार ये जो दिख रहा है हम जिस ट्रेड सेटअप पे यूज करते हैं ना वही सेटअप था हमारा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे बाइंग की साइड ना जाकर सेलिंग का प्लान बनाया, और इंटरेस्टिंग बताऊं मार्केट बाइंग की तरफ चला गया, मेरा एसएल गया। ठीक है, तो जो सेटअप था वो सेटअप तो मेरा बाइंग की तरफ ही था ना, लेकिन मेरा जो व्यू था, ठीक है, कि यार मार्केट में सेलर ट्रैप हुए हैं, गिरने की संभावनाएं ज्यादा है, उसी कारण मैंने जो मेरे सेटअप को ना फॉलो करके मेरा जो मन कह रहा था उसको फॉलो किया, और गाइस मैं लपेटा गया। ठीक है, के बाद बताता हूँ, एक छोटा लॉस पता ही नहीं चला किस प्रकार से बड़ा बनता गया, और गाइस मार्केट में जो हम 10% का रखते हैं 20% के आसपास हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिला है आज के दिन, ठीक है, जो मेरी कैपिटल है उसके ऊपर। तो इसी प्रकार से हमें यह चीज़ सोचनी समझनी होगी और हर चीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक्चुअल में बताऊँ तो मार्केट ने पूरे दिन देखोगे आपको कहीं पे ट्रेड नहीं दिए, कहीं पे भी, यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ से गिर गया, ठीक है, डाउन साइड में आया और ये वापस उठ गया, मतलब किसी भी साइड आज के दिन मार्केट ने ट्रेड नहीं दिए। और ऐसे मार्केट में अपन बाई चांस 1,000 भी बना लेते ना, कोई भी ऐसा नहीं है। तो एक चीज सीखा हूं मैं कि जो पैसा बनना होता है ना वो आपका एक बार में बन जाता है, मॉर्निंग में हो चाहे इवनिंग में। अगर हम पूरे दिन फाइट करते हैं उसको बढ़ाने के चक्कर में ना, 100% गारंटी दोस्त वो पैसा जाएगा। और कल जो मेरे को प्रॉफिट हुआ था उसके बाद मैंने किल स्विच ऑन किया था, मैं कैसे भी करके आज जो है इसको नहीं जाने देना है। और मैंने आज गलती कर दी किल स्विच ऑन करने में। 2 या 3 ट्रेड का पर डे प्लान होता है, मैंने 10 ट्रेड लिया आज के दिन, और मैंने फिर जाके कहीं ना कहीं किल स्विच ऑन किया गाइस। 3 दिन 4 दिन पहले जो गलती की थी वो गलती थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी, और आई होप ये सारी मिस्टेक्स हैं आप ना करो गाइस, क्योंकि मैं सब कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मार्केट से फाइट करके देख लिया, मेरे व्यू लगा के देख लिया, मार्केट वोलेटाइल है आपको, तो यहाँ पे कोई भी बंदा पॉसिबल कम होगा कि यार ये कोई बाइंग पे सोचे। जहाँ से मार्केट गिरा है और अच्छा सेलिंग प्रेशर में, वो वापस उसी जगह पे आ जाता है, पूरे दिन एक पैटर्न में निकाल देता है। तो कुछ भी नहीं कह सकते मार्केट के बारे में, ठीक है। तो मार्केट में एक ही चीज प्रॉफिटेबल बना सकती है, आपका सेटअप और आपका रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है तो आप ही विनर हो गाइस, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और चीजें। तो चलिए धन्य अपने, मैं आपको अपनी पोजीशन शेयर कर देता हूँ दोस्तों। और एक बात बताऊँ, बिना कुछ मैं आपसे मांगे इतना कुछ करता हूँ तो आपका कर्तव्य नहीं है क्या? आपका थोड़ा बहुत तो धर्म है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, तो वो काम आप कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंच सके और बहुत सारे बंदों की यहाँ पे हेल्प हो सके। आज के दिन गाइस जो लॉस हुआ है आप देखिए 4,308 रुपए का, ये लॉस कोई छोटा नहीं है, ये लॉस हमारी गलतियों से हुआ है, ठीक है। तो
इन्हीं को सुधारना है गाइस, नेक्स्ट वीडियो से और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे, और मिलते हैं कुछ टाइम बाद अगले एपिसोड में। वीडियो के साथ बने रहिए, थैंक यू वेरी मच।